हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा जैक्या। आज मैं आलू फ्राई बनाने जा रही हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं 7 आलू ली हूँ, छोटा छोटा है। बड़ा साइज में आप 4 भी ले सकते हैं। देखिए, देख सकते हैं इसको। चलिए मैं काट लेती हूँ। इसको मैं काट ले रही हूँ करके। ज़्यादा बड़ा भी नहीं काटना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं काटना है। देखिए, इसे करके 3 भाग में काट लेना है ऐसे करके। देखिए, ऐसे करके काट लेना है। आप देख सकते हैं, देखिए इतना छोटा छोटा काट लेना है। से सबको काट लेना है। देखिए, सब इसी तरीके से मैं काट ली हूँ। ये पीसेस में अब इसको मैं पानी डाल के थोड़ी सी धुलाई कर लूंगी। देखिए, मैं आलू को धो ली हूँ अच्छी तरीके से। देख सकते हैं आप इसके लिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं जीरा ली हूँ थोड़ी सा, सरसों का दाना है, यहाँ पर नमक है, हल्दी पाउडर है थोड़ी सा आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर है आधा चम्मच, ये गरम मसाला है आधा चम्मच, ये गुल मिर्च पाउडर है। चलिए, मैं यहाँ पर गैस जला दी हूँ, कढ़ाई को गरम कर ली हूँ। मैं इसमें तेल डालूँगी, सरसों का तेल है। आप चाहें तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई तेल। जीरा मैं इसमें डाल दे रही हूँ। सरसों का दाना है, इसको भी मैं डाल दे रही हूँ। इसको थोड़ी काम मिला देंगे। आलू इसमें डाल दे रही हूँ। इसे 2 मिनट तक ऐसे पकाएंगे। दो मिनट के लिए मैं इसको ढक दी हूँ। देख सकते हैं आप, इसको मैं हाई फ्लेम पर पका रही थी। मसाले पाउडर इसको डाल दे रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर है इसको भी मैं डाल दे रही हूँ, गुल मिर्च पाउडर है इसको भी मैं डाल दे रही हूँ। बच्चों के लिए पका रहे हैं तो लाल मिर्च नहीं डाल सकते हैं। गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी। देखिए, मसाला सब मिक्स हो गया है। अब मैं इसको ढक के और 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाऊंगी। इसको हम फिर चेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आधा सिझ गया है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दे रही हूँ।
आधी चम्मच गरम मसाला है, मैं इसको भी डाल दे रही हूँ। इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे। इसको ढक दे रही हूँ। देखिए सीज गया है, आलू कंप्लीट हो गया है। चेक कर लेते हैं इसको, देखिए हो गया है। इसमें थोड़ी सा धनिया पत्ता डाल दे रही हूँ। इसको भी मिक्स कर दे रही हूँ। मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। ये मेरा रेडी हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर ले रही हूँ। तो देखिए आलू फ्राई बनके तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए घर में, चावल के साथ, पराठे के साथ, बच्चे को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।